नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज फिर हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। दोस्तों जैसे तो आप जानते हैं राजनीतिक गलियारों में एक नाम बहुत तेजी से सुनाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नहीं जानते हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी की। क्या आप लोगों को नहीं पता द्रौपदी मुर्मू जी कौन हैं, और भाई हमारे देश की अर्थात भारत की देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी की बारे में। वो कौन हैं, कहाँ से आई हैं, इससे पहले क्या करती थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट, उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी बातें आज हम लोग जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को प्रेस करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलते रहें। दोस्तों चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। दोस्तों ये आदिवासी समाज की पहली व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति पद में सेवारत हैं एवं दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं और पहली राष्ट्रपति महिला जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल, और ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों मुर्मू जी भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो भारत को आजाद होने से पहले पैदा हुए थे। दोस्तों इनके जीवन के बारे में जाने तो इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक संथाल यानी आदिवासी परिवार में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम वीरांची नारायण हुड्डो था। इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था और इनके दो बेटे और एक बेटी हुई थी। दोस्तों लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। इनका दुर्भाग्य ये था कि इनके दोनों बेटे और पति तीनों की अलग अलग समय में अकाल मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इनकी बेटी का विवाह हो चुका है जो भुवनेश्वर में रहती है। अगर आगे और जाने दोस्तों तो इन्होंने अपने व्यवसायिक जीवन एक अध्यापिका के रूप में शुरू किया था। दोस्तों इनकी राजनीतिक जीवन में प्रकाश डालें तो वे 1997 में राई रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी थी, फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चे के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला था। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी 2000 और 2009 में मयूरभंज जिले में दो बार विधायक बनी है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी 2015 में झारखंड की नवी राज्यपाल बनी हैं और दोस्तों झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का खिताब इन्हीं को मिला है। और दोस्तों 24 जून 2022 को राष्ट्रपति पद का नामांकन भर कर 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और भारत के को दूसरी महिला और पहली आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट के वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।